वॉल्वो देख लीजिए आई तो तीन तक गाड़ी कौन है ललका तीन से दूठ उजर का दूठ उजर का तीन दो पाँच का मसाला ना पाँच इंच दान पाँच का ना जो आई तो पलर नहीं है आई ईटवा का नंबर होगा कुल ईटवा सदाम का नंबर होगा सुन ईटवा ही बतावा हाँ दो नंबर हाँ बनारस में इसके नंबर में बिके बनारस में और ईटा ही है दो नंबर गूगल दे दे बात के एक समरा क्या नाम है आपका जैन जैन नाम ही आपका जैन है किस ग्राम सभा में कार्य हो रहा है आपका राजापुर आगापुर आगापुर किस चीज का कार्य कर रहे हैं आप यहाँ पे कूड़ेदान का कूड़ेदान का ग्राम प्रधान कौन है यहाँ का प्रदीप कुमार अच्छा ये जो जुड़ैया का काम हो रहा है ईंट का इसमें किस मटेरियल का प्रयोग किया जा रहा है रेड वालो और हल्का सा वाइट मिलाया जाता है मुलायम करने के लिए वाइट बालू हाँ मुलायम करने के लिए दोनों की मात्रा क्या होती है चार एक चार एक हाँ। और सीमेंट सीमेंट एक बोलो सीमेंट एक बोलो और ये जो ईट है ये किस क्वालिटी की ईट है यहाँ पे एक नंबर है पुरान पढ़ लगे वो डला था ना तो नहीं था ऐसे काम हो पुरनका से नहीं आवत पुराने सरिया को लगा उस वजह ये खाली पूरा एक आध दो छड़ पड़ल ला है खाली हां नहीं तो सब नया लगे कि पुराना का लगे तो पूरा पुराने सरिया ना बाबू काम मिस्त्री नया सरिया लगाओ चाहिए ना ठीक है नया लगे ना अब इतना पड़ल ला दो दो आपके द्वारा भी तीन ग्राम पंचायतों का हमारे संज्ञान में लाया गया है तो आज मैं एडीयू पंचायत को निर्देशित करूंगा और अपने साथ कंसल्टिंग इंजीनियर के साथ जरूर जाएं क्योंकि आपकी शिकायत तकनीकी गुणवत्ता को लेकर है तो दोनों लोग जाएंगे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे उस आधार पर यदि प्रधान दोषी है या गुणवत्ता विनिर्माण किया जा रहा होगा तो प्रधान को नोटिस जारी किया जाएगा शुक्र जारी होगा सर उसमें आपने कहा स्पष्टीकरण नोटिस जारी करने की जो बात आपने कही जो निर्माण हो चुके हैं अगर वो गुणवत्ता विहीन होते हैं तो फिर उस पर क्या कार्रवाई होगी स्पष्टीकरण तो ठीक है वो अपने जवाब देंगे तो क्या वो गिराए जाएंगे नहीं उसमें उसके आधार पर फिर एमबी कंपनी होगी उसकी रिकवरी होगी वही कंसल्टिंग इंजीनियर की जो रिपोर्ट होगी टेक्निकल कितने का भुगतान हुआ है और कितने का वास्तव में काम हुआ होगा जो अंतर होगा उसकी रिकवरी होगी।